नमस्कार दोस्तों, और आज बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में। देखिए, दुनिया भर की एडवांस इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ने लगा। इस बढ़े हुए इन्फ्लेशन को कम करने के लिए यूएस फेडरल रिजर्व ने रेपो रेट को बढ़ा दिया, ताकि बड़ी बड़ी एडवांस इकोनॉमी रेसेशन के टाइम पीरियड में ना चली जाएं। लेकिन इस बढ़ी हुई रेपो रेट का सीधा असर पड़ा स्टॉक मार्केट पे, और दुनिया भर के बड़े बड़े स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो गए। इन सारे क्रैश मार्केट की वजह से दुनिया के जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे और छोटे बड़े सारे इन्वेस्टर थे, सबके पोर्टफोलियो बुरी तरह से डाउन चले गए। इस पोर्टफोलियो के डाउन जाने की वजह से मार्केट एक करेक्शन टाइम फ्रेम में चला गया। आसान भाषा में बात करूं तो मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गया, जहां कुछ लोग बाय इन डिप के एडवाइस देने लगे और कुछ लोग सेल ऑन राइज के एडवाइस देने लगे। इस तरह से मार्केट एक करेक्शन टाइम मोड में चला गया। लेकिन इस तरह के वॉलेटाइल मार्केट में, इस तरह के फ्लक्चुएटिंग मार्केट में किस तरह से आप एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को रीएडजस्ट करके लॉन्ग टर्म में काफी सारा बेनिफिट ले सकते हैं, इस बात के लिए आपको तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट होगा एसेट एलोकेशन। देखिए, आपके पोर्टफोलियो के अंदर कई सारे स्टॉक्स होंगे जो कुछ फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे और कुछ स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग होंगे। तो जो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, उन्हें आपको अपने पोर्टफोलियो से हटा करके अपनी रिस्क को कम करना चाहिए, और जो स्टॉक आपकी स्टडी के हिसाब से फंडामेंटली स्ट्रांग है, उन्हें पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना चाहिए। क्योंकि इस तरह के वॉलेटाइल मार्केट में फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक ही आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा रिटर्न देके जाते हैं। और दूसरा एडवाइस होगा, डोंट पैनिक। देखिए, इस तरह के सेल ऑन राइज वाले सेलिंग प्रेशर पे आपको घबराना नहीं चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स इन्वॉल्व हैं, तो वो बाय इन डिप में जाके, यानी कि अपने लोवेस्ट वैल्यू पे जाकर के फिर से एक बहुत बड़ा बाउंस बैक देते हैं। और जनरली यही देखा जाता है कि जो फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक है, वो सेलिंग प्रेशर जाने के बहुत बहुत बड़ा रिटर्न देके जाते हैं बहुत कम टाइम पीरियड में। और तीसरा पॉइंट होगा फोकस ऑन SIP। देखिए, अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर ऐसे स्टॉक्स इन्वॉल्व हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग हैं और सेलिंग प्रेशर की वजह से मार्केट डाउन में चला गया, तो आपको SIP के थ्रू, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू, अपने उन फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स को बाय एंड डिप कर लेना चाहिए। इसके दो बड़े फायदे हैं। एक तो आपका स्टॉक की प्राइस बहुत एवरेज हो जाती है, दूसरा आपकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो जब सेलिंग प्रेशर मार्केट से जाता है, तो वो स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा रिटर्न देके जाता है।